क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान का सोग मनाया है जो अभी जिंदा है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके सामने एक जीता जागता इंसान मौजूद हो, लेकिन वो बिल्कुल भी वैसा ना हो जैसा आप उसे जानते थे या देखते हुए बड़े हुए थे? हर साल अक्टूबर का महीना जहनी बीमारियों के माह के तौर पर मनाया जाता है, जहां लोगों को एक बार फिर याद दिलाया जाता है कि आपके इर्द गिर्द ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जो जहनी बीमारी का शिकार हैं और जिन्हें आपके मुकाबले में कुछ काम करने में वक्त लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो कुछ करना नहीं चाहते, मगर डॉक्टरों के मुताबिक वो ऐसा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनका जहन माऊफ हो जाता है, ख्यालात बेरब्त रहते हैं और आसपास लोग होते हुए भी बात करने का दिल नहीं करता। इस साल आलमी इदारे सेहत यानी WHO ने न सिर्फ जहनी इमराज में मजीद सरमाया और वक्त लगाने पर जोर दिया है, बल्कि ऐसे हालात को भी रोकने का कहा है जिनसे जहनी इमराज में इजाफा होता है। मैंने इससे पहले कराची में हेल्थ रिपोर्टर के तौर पर काम करते हुए अक्टूबर के माह में जहनी इमराज पर रिपोर्ट्स बनाई हैं, लेकिन ये तमाम तर कहानियाँ दूसरे लोगों की होती थीं और वो ही बता रहे होते थे, जबकि मैं खुद अपनी ज़िंदगी में मौजूद एक ऐसी हस्ती के बारे में बात करते हुए कतरा रही थी जो खुद जहनी मसाइल से दो चार हैं। इस बार मैं खुद की बात करना चाहती हूँ और इसलिए भी बताना चाहती हूँ कि मुझे ये बात बताने में कोई शर्म महसूस नहीं होती, क्योंकि इसमें शर्मिंदा होने वाली या छुपाने वाली कोई बात नहीं है। मैंने अपना बचपन और फिर बड़े होने तक के तमाम तर साल अपनी अम्मी को समझने और उनका ख्याल करने में गुजारे हैं। मैं उनका नाम लिए बगैर उनको अम्मी ही कहूँगी, क्योंकि मेरा उनसे इजाज़त लेना उनको याद नहीं रहेगा और ना ही उनको वक्त या दिन याद रहते हैं। अम्मी के शनाख्ती कार्ड के मुताबिक उनकी पैदाइश जनवरी 1965 में हुई है, लेकिन तारीख़ पैदाइश उनको सही तरह याद नहीं है, इसलिए हम घर में अक्सर जनवरी में दो बार यानी 1 और 16 जनवरी को उनकी सालगिरह मनाते हैं। इनमें एक तारीख वो है जो हम घर वालों को याद है और दूसरी वो जो वो कभी कभार बात करते हुए हमें बताती हैं। मेरी अम्मी को स्किज़ोफ्रेनिया है, जिसकी तस्दीक 2010 में कराची के आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल के जहनी इमराज के माहिर डॉक्टर मुराद मूसा ने की थी, लेकिन मैंने देखा कि इस मर्ज़ की तस्दीक होने से ज़्यादा बड़ा मसला इस मर्ज़ से जुड़े दकियानूसी ख्यालात, शर्मिंदगी और लोगों की सोच का है जो हमें इस बारे में खुलकर बात करने नहीं देता। लेकिन जब तक खुलकर बात नहीं करेंगे तो इलाज कैसे कर पाएंगे? मेरी अम्मी को इंडियन और पाकिस्तानी फिल्मों के तमाम नाम और गाने याद रहते थे। टीवी पर कोई भी गाना आते ही वो खुद भी गाना शुरू कर देती थी या इस गाने के बोल किसने लिखे हैं उसका नाम भी बता देती थी। पाकिस्तानी पंजाबी फिल्मों में चाहे अदाकारा नीली पर फिल्माया हुआ कोई भी गाना हो या नूर जहाँ का गाया हुआ कोई गाना, अम्मी को सब याद रहते थे। मेरे बाबा की जिम्मेदारी लगाई गई थी कि वो चाहे पूरा हफ्ता कितना भी काम में मसरूफ रहें, हफ्ते के आखिर में गानों या किसी भी पाकिस्तानी टीवी ड्रामे की वीडियो कैसेट साथ लाना ज़रूरी है। हर हफ्ते ऐसा करते करते हमारे कराची के क्लिफ्टन वाले फ्लैट में वीडियो कैसेट का एक अंबार जमा हो गया था, जिस पर हम दोनों बहन भाई अक्सर मजाक में बाबा को सदर के रेनबो सेंटर में एक दुकान किराए पर लेने का मशवरा देते रहते थे। ख़ानदान में किसी की भी शादी में अम्मी को ख़ास तौर से बुलाया जाता था, क्योंकि एक तो उन्हें गाने याद होते थे और दूसरा उनके किस्से कहानियाँ सुनाने के अंदाज से सब खुश होते थे। इसके अलावा कपड़े खरीदना, परफ्यूम का कोई भी नया ब्रांड लगाने का भी उनको बेहद शौक था। तो अगर आज भी मैं आंखें बंद करूं और उस वक्त को याद करूं, तो मुझे सबसे पहले अम्मी के पास से आने वाली खुशबू जहन में आती है। ।1980 के आखिर और 1990 की दहाई के शुरू के कुछ साल मैंने नानी और अम्मी के घर में गुजारे। इस दौरान मैं नानी के घर से स्कूल जाती थी और फिर हफ्ते के आखिर में छुट्टी के दो दिन अपने घर में गुजारती थी। इस दौरान मैंने अम्मी के रवैये में कोई ख़ास फ़र्क नहीं देखा। फ़र्क तब जाहिर होना शुरू हुआ जब मैं 1992 में मुकम्मल तौर पर अपने घर आ गई। मैं तब 8 साल की थी। एक रोज़ मैंने अम्मी को बाथरूम में खुद से बातें करते हुए देखा और सोचा कि सामने जो भी खड़ा है इसकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही। दरवाज़ा पूरा खोलने पर पता चला कि वो अकेली खड़ी थी। इसी तरह एक दो नहीं बल्कि कई मर्तबा घर के मुख्तलिफ जगहों पर ऐसा होते हुए देखा। कभी वो खुद से बात करते करते गुस्से में आ जाती थी और कभी हंसती थी। मैं इस दौरान कोशिश करती थी कि अम्मी की गोद में चढ़कर उनका चेहरा अपनी तरफ करूं, ताकि वो जहां भी देख रही हैं वहां न देखें बल्कि मुझे देखें और जो भी उन्हें गुस्सा दिला रहा है वो इसके बारे में भूल जाएं। जब इससे भी काम नहीं चलता था तो मैं उन्हें आवाज़ देती थी ताकि उनका ध्यान हट जाए। कभी उनका ध्यान जहाँ भी होता था वो टूट जाता था और वो मेरी तरफ देखती थी, लेकिन कभी गुस्से से वहाँ से चली जाती थी। इस वक्त तक इस बारे में सिर्फ मुझे ही पता था।
1999 के आखिर तक बात खासी बिगड़ गई। अब मैंने देखना शुरू किया कि अम्मी के कपड़ों पर अगर निशान है तो वो उसे साफ नहीं कर रही। अगर एक रोज़ नहा लिया है तो दूसरे दिन नहाने के लिए उन्हें याद कराना पड़ता था। बाल बनाना भूल जाया करती थी। अगर रात में उनकी गलती से नींद से आँख खुल जाए तो वो सारी रात जाग कर गुजार देती थी। एक रोज़ मैं देर रात एक ज़ोरदार आवाज़ से उठी। बाहर आने पर पता चला कि अम्मी हाथ में डंडा उठाए पर्दों को झाड़ रही हैं। उनका कहना था कि कोई बाहर से मिट्टी फेंक रहा है। उनको मैंने और मेरे छोटे भाई ने बड़ी मुश्किल से समझाया कि ऐसा नहीं है। हमने घर में दवाइयाँ रखना छोड़ दी, ख़ास तौर से खांसी की दवा। एक रोज़ स्कूल से आने के बाद उन्होंने मुझसे खांसी की दवा फेंकने पर बहुत झगड़ा किया। उन्होंने कहा मेरा दिमाग फट रहा है। लेकिन मैं उन्हें दवा इसलिए नहीं दे सकती थी क्योंकि ओवरडोज हो सकता था। अब इस डर से घर के एक फर्द की जिम्मेदारी लगाई गई थी कि फ्रिज में से दवाइयाँ निकाल ली जाएँ और सिर्फ ज़रूरत की एक दवा रखी जाए। अब ये वो दौर था जब जहनी बीमारी के बारे में बात करना तो दूर, उसके बारे में इल्म होना भी बड़ी बात थी। और ये समझने के बाद कि कोई जहनी मर्ज़ में मुब्तला है, उसका इलाज कराना उससे भी बड़ी बात होने के साथ साथ एक मसला भी था। इस बारे में मेरी समझ इतनी नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि मुझे किसी बड़े को बताना चाहिए। तो मैंने अपनी बचपन की दोस्त की बड़ी बहन, जो मुझसे सिर्फ 2-4 साल ही बड़ी थी, उसे बताया। मुझे लगा कि अगर मैं उसे बता सकती हूँ तो किसी से भी बात कर सकती हूँ। उसने ढूंढ कर कंप्यूटर से एक लंबा चौड़ा नाम बताया जो मुझे समझ नहीं आया। तो हमने तय किया कि नाम को रहने देते हैं और बाबा से बात करते हुए मैं कहूँगी कि एक मसला है। मेरे बाबा सिविल इंजीनियर हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर काम की गर्ज से शहर से बाहर रहते थे। तो जब वो हफ्ते के आखिर में घर आए तब मैंने उन्हें बताया। उन्होंने मुझे फ़ौरन कहा कि क्या आप ये कह रही हैं कि आपकी अम्मी पागल हैं। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि इसका एक बड़ा नाम भी है जो मेरी दोस्त को पता है। नतीजा ये निकला कि मुझे और दोस्त दोनों को डांट पड़ी। इस दौरान अम्मी ने अपने तमाम रिश्तेदारों से बात करना छोड़ दी थी। कहा कि ये सब मेरे खिलाफ़ हैं। उनकी बताई हुई बातों में रब्त ख़त्म हो गया था। माजी की किसी बात को आज रोनुमा होने वाले किसी वाक्य से जोड़ देती थी। मैंने इस दौरान अपनी नानी से बात की। उनको ये सब बताते हुए मुझे रोना आ गया। तो उनके पास खड़ी मेरी एक रिश्तेदार ने कहा कि अरे रोकर लोगों की हमदर्दी थोड़ी लेना है, मजबूत बनो। मेरी उम्र उस वक्त 13 साल थी। मेरी नानी हर दूसरे रोज़ फ़ोन पर मुझसे अम्मी का पूछती थी, और ये पता चलने पर कि अम्मी बात नहीं करना चाह रही, रोना शुरू कर देती थी। मेरी नानी की पढ़ाई ना होने के बराबर थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने शहर में एक हस्पताल ढूंढ निकाला। हस्पताल ढूंढने के बाद उन्होंने मेरे बाबा को बताया कि अब बात बहुत आगे निकल चुकी है, मेरी बेटी को मदद की ज़रूरत है। इसके बाद अम्मी को 3 माह के लिए जहनी इमराज के हस्पताल दाखिल कर दिया गया। अब बातें होना शुरू हो गईं। वो तमाम तर लोग जो पहले शायद लिहाज में बात नहीं करते थे, उन्होंने मेरी अम्मी की हालत पर हंसना शुरू कर दिया। पहले इतना एहसास कर लिया जाता था कि मेरे सामने ना हंसें, बाद में इस बात का ख्याल करना भी छोड़ दिया। इस दौरान मुझे सुनने को मिला कि इसकी माँ दूसरों के लिए पागल है और अपने बच्चों के लिए सही है। ऐसा कैसे हो सकता है, सब झूठ और ड्रामा है। 3 माह अस्पताल में गुजारने के बाद मुझे मेरी अम्मी में खासा बदलाव नज़र आया। वो चुप हो गई थी, सिर्फ बात करने पर जवाब देती थी, वरना खामोशी से अपने कमरे में बैठी रहती थी। इस दौरान हमें अम्मी के लिए इंजेक्शन दिया गया, लेकिन मैंने गौर किया कि इंजेक्शन का जोर टूटते ही वो पहले जैसी हो जाती हैं और बातें करती हैं, हंसती हैं, लेकिन इंजेक्शन लगते ही बिल्कुल खामोश हो जाती हैं। मेरी नानी को डॉक्टर ने बताया कि उनका इलाज सारी उम्र चलेगा। अब अम्मी के बारे में लोग या रिश्तेदार जब भी बात करते थे तो थी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते। अब ईद या शादियों पर हम लोग अम्मी के बगैर जाना शुरू हो गए। इस दौरान हमसे लोग ऐसे मिलते थे कि जैसे खुदा न खास्ता अम्मी अब दुनिया में नहीं रहीं। सहाफ़त में अपने करियर की शुरुआत करते ही मैंने पहला इरादा एक अच्छे जहनी अमराज के डॉक्टर को ढूंढने का किया, और इत्तेफाक से मुझे पहली बीट भी हेल्थ रिपोर्टर की ही मिली। एक दिन आहा खान अस्पताल में सेमिनार के दौरान डॉक्टर मुराद मूसा से मिलने और उनका लेक्चर सुनने का इत्तेफाक हुआ। उन्होंने अपने लेक्चर के दौरान जहनी अमराज के मरीजों को दूर रखने, छुपाने या झिड़कने के बजाय उनसे बात करने का कहा। मैंने इस लेक्चर के फ़ौरन बाद उनसे मिलने का वक्त तय किया। 2010 में अम्मी में स्किज़ोफ्रेनिया की तशखीस के बाद मुझे सुकून इसलिए आया क्योंकि आखिरकार मुझे इस मर्ज़ का नाम मिल गया था। इस दौरान डॉक्टर ने मुझे बताया कि उनकी कही हुई बात को रद्द ना करें, उनको बातें करने दें, उनकी बातें सुनें, उनको बाहर ले जाया करें और ऐसे तमाम तर लोगों से ना मिलने दें जिनसे मिलकर उन्हें गुस्सा आए। आलमी इदारे सेहत और लैंसेट जरीदे की 2017 में होने वाली तहकीक के मुताबिक इस वक्त दुनिया में सिर्फ स्किज़ोफ्रेनिया से 2 करोड़ अफराद मुतासिर हैं, जबकि दूसरी जानब माहिरीन का ख्याल है कि जितनी बातचीत इन मसाइल पर होनी चाहिए इतनी नहीं होती। मैंने इसी बारे में मरियम सुहेल से बात की, जो इस्लामाबाद में फैमिली थेरेपिस्ट हैं। हेल्थ
हेल्थ के ऊपर हमारा फोकस है ही नहीं, हेल्थ एजुकेशन इन चीजों के ऊपर हमारा फोकस नहीं है, तो उससे रिलेटेड अवेयरनेस का जो भी काम है वो गवर्नमेंट के हाथ में सिर्फ ये क्राइसिस मैनेजमेंट के वक्त ही आता है। ये डेंगू के सूरत में या ये कोविड की सूरत में आप देख रहे हैं ना, हेल्पलाइंस भी बनी है, फोन पे आप किसी को फोन करते हैं तो मैसेजेस भी चल रहे हैं कोविड की अपडेट के बारे में, टीवी पे चल रहे हैं, पेड कंटेंट चल रहा है कोविड से मुतालिक। सो ये सारी चीजें हम मेंटल हेल्थ के बारे में क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि वो जब एक क्राइसिस की तरह कोई चीज इमर्ज होती है तो वो हमारा रिस्पांस मैकेनिज्म है। तो आई थिंक उसकी वजह से मेंटल हेल्थ का अभी तक कोई क्राइसिस चूंकि सामने नहीं आया उस तरह से, और आता भी नहीं है अनलेस जैसे जापान में सुसाइड की कोई वेव चल जाए या दुनिया में किसी जगह पे सुसाइड की कोई वेव चल जाए, तब कभी वो मीडिया का हिस्सा बनता है। बट यूजुअली मैंने तो बहुत कम देखा है कि दुनिया में कहीं भी एक्चुअली कि मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करने का एक छोटा सेगमेंट होता है। ठीक है, वो ये कि मेंटल हेल्थ को जो जगह मिलती है ना, फॉर एग्जाम्पल एक टीवी शो पे या न्यूज में एक 5 मिनट्स का कॉर्नर ऑफ एन एक्सपर्ट ओपिनियन, एंड आई थिंक इट इज अ लॉट, इट कैन ऑफर अ लॉट मोर देन जस्ट एक्सपर्ट ओपिनियन। जो जनरल एंटरटेनमेंट का हिस्सा बन सकता है, टीवी थिएटर उसका हिस्सा बन सकता है, उसके थ्रू अवेयरनेस फैलाई जा सकती है, उसको एक उस सेगमेंट में से निकल के बाहर आने की जरूरत है मेंटल हेल्थ को। अब आपको हैशटैग भी दिखेंगे ट्विटर वगैरह पे भी और बाकी फेसबुक पर भी, लोग पोस्ट लगाएंगे कि अगर आपको मुझसे बात करनी हो बेशक कर लें, लेकिन ये आई थिंक बहुत से लोग नहीं एहसास कर पाते कि जो डिप्रेशन में है या जिसके साथ कोई मसला है वो कभी भी रीच आउट नहीं करते। Absolutely. तो ये जो मूवमेंट है फिर ये एक तरह से बहुत सरफेस पे लगती है, ऐसा आपको फील होता है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो चलो ये है एटलीस्ट द वर्ड डिप्रेशन इज यूज्ड राइट ऑनलाइन, पीपल आर हियरिंग अबाउट इट कि ये भी कोई चीज है, उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं क्योंकि आधी कौम तो इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करती कि ये कोई मसला है। लेकिन इट इज नॉट इनफ, यू नो कि आपके इर्द गिर्द कौन से ऐसे लोग हैं जिनको जो आपको लग रहा होता है स्ट्रगल कर रहे हैं, जो चेंज हो रहे हैं, जो कि अपने शेल में अंदर जाते जा रहे हैं, जो कि बात नहीं कर पा रहे, जो आपको ट्रबल लग रहे हैं, आप उनको रीच आउट करें। आप प्रोफेशनल हेल्थ के हेल्प क्या, आप तो मतलब अपने बीवी बच्चों को ये नहीं बता सकते कि दिस इज व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। डेफिनेटली इसलिए हमने राइज देखा है पिछले 6 महीनों में, पर्सनली मैंने राइज देखा है जो रिक्वेस्ट मुझे आ रही है उसमें। तो आप उनको एक तो प्रोफेशनल हेल्प ऑफर कर सकते हैं कि दीज आर, उनके लिए रिसोर्सेज ढूंढे कि थेरेपी है ऑनलाइन, वो है क्या कहते हैं हेल्पलाइंस हैं, और थेरेपी भी अब तो ऑनलाइन बहुत ज्यादा हो रही है। उसके अलावा जस्ट सिट डाउन एंड हेल्प देम टॉक अबाउट इट। इंसान जो सफर कर रहा होता है वो ये प्रेशर बहुत ज्यादा फील करता है कि अगर कोई उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है तो उसमें साथ ही प्रेशर होता है कि अब तुम ठीक हो भी जाओ। इसी सिलसिले में मरियम सोहेल ने counseling.pk के नाम से साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट की फहरिस्त के बारे में भी बताया, जहां मुल्क भर में मौजूद माहिर ज़हनी इमराज और डॉक्टरों की फ़ीस भी उनकी तस्वीर और फ़ोन नंबर समेत मौजूद हैं, क्योंकि अब भी ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो थेरेपी की फ़ीस देखने के बाद थेरेपी में नहीं जाना चाहते। मेरी अम्मी की आज भी वही हालत है जो अब से 25 साल पहले थी, लेकिन इस दौरान मैं ये भी नहीं चाहती थी कि मैं उन्हें छुपाऊँ या उनसे दूर भागूँ। मैंने कई साल तक इस बारे में इस डर से भी बात नहीं की कि अम्मी का मजाक उड़ेगा, लेकिन आज के दौर में अगर कोई ज़हनी इमराज को ना समझे और ना समझने की कोशिश करे तो ये तो खुद अपना मजाक उड़ाने वाली बात लगती है।